हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और जाने माने डॉक्टर नरेश त्रहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। नरेश त्रहन जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, अभी मेरी फोर्टिस के चेयरमैन से भी बात हो रही थी, क्या प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वो तैयार हैं आइसोलेशन वार्ड्स के साथ? अभी तक ये उपचार सिर्फ सरकारी अस्पतालों में हो रहा है, आपका जो मेदांता अस्पताल है वो कितना तैयार है? देखो, तैयारी तो हम सब ने कर रहे हैं, सब गियर अप हो रहा है जी। अब क्वेश्चन ये है कि अगर जो पेशेंट्स आएंगे बहुत तादाद में तो उनका कैसे ध्यान रखा जाएगा। तो यही चर्चा हो रही है कि एक बड़ा हॉस्पिटल कोई इकट्ठे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर लेके उसको एक ऑपरेशनलाइज करे कि जो ज्यादा संख्या में लोग आएंगे तो उनको एक ही जगह पे रखा जाए, बनिस्पत के हर हॉस्पिटल में 10-20 बेड्स किए जाएं, क्योंकि उससे मतलब उनका एक तो ध्यान अच्छा रखा इतना अच्छा नहीं रखा सकता, और दूसरा ये डर होता है कि जिन हॉस्पिटल्स में प्रॉपर एयर कंडीशनिंग वगैरह की आइसोलेशन नहीं है तो वहां से फैल भी सकता है जी। इसीलिए अभी वैसे तो तैयारी है कि अगर जो पेशेंट्स आएंगे तो वो तो बात अलग है, पर अगर जो बहुत ज्यादा तादाद में आएंगे उस पर हमें चिंता करनी है कि उनका कैसे ध्यान रखा जाए, तो उसी पे की तैयारी हो रही है। गवर्नमेंट और प्राइवेट प्रोवाइडर्स में संपर्क हो रहा है, पूरा कंधे से कंधा मिला के इसका मुकाबला किया जाएगा, और ये इसकी डिटेलिंग अभी निकल ही रही है। ठीक है डॉक्टर नरेश त्रहन, एक मैं आपसे और सवाल पूछना चाहती हूँ। कोरोना पॉजिटिव केसेस जो विदेशी दो नागरिक का है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। एक केस में कोरोना से वो जो बीमार नागरिक था वो ठीक हो गया, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद, मतलब 2 या 3 दिन बाद उसका हार्ट फेल हो गया। आज एक फिलीपींस का नागरिक कोरोना का केस जो था उससे वो रिकवर हो गया लेकिन उसकी किडनी फेल हो गई, तो ये क्या वजह आप देख रहे हैं? इलाज तो कोई है नहीं, उपचार तो कोई है नहीं, ये तो हम सब जानते हैं। देखो ये हाँ नहीं, ये तो यही तो प्रॉब्लम है इस जो ये नया वायरस जिसको COVID-19 कहते हैं, ये इसलिए भयंकर है कि ये सारी बॉडी को अफेक्ट करता है। सबसे ज्यादा जो अफेक्ट होता है वो फेफड़ों पे और आंतड़ियों पे होता है, उसके बाद किडनी के ऊपर होता है, लिवर के ऊपर होता है। तो ये जो वायरस है ये सबको अफेक्ट करके डैमेज कर सकता है। तो एक जो बच जाए उसकी किस्मत अच्छी कि वो बच गया, पर ये भी ये जरूरी नहीं कि उस पर वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। कई लोगों के लंग्स में फिर भी प्रॉब्लम रहेगा, लिमिटेड उनकी कैपेसिटी होगी ब्रीदिंग की। कई लोगों के किडनी का प्रॉब्लम हो जाएगा, कईयों का हार्ट फिट प्रॉब्लम होगा, और कईयों की जो अनफॉर्चुनेट है वो मृत्यु भी हो सकती है इससे। तो इसीलिए आज जो आपने बोला कि आंकड़े बढ़े हैं, ये हमें पहले से ही ये पता था कि ऐसा होने वाला है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि कुछ दिनों से ये चर्चा हो रही है बार बार कि लॉकडाउन किया जाए। लॉकडाउन करने से जो मूवमेंट है लोगों का वो खत्म हो, तो ये 1-to-1 जो वायरस फैलता है एक शख्स से दूसरे शख्स तक, वो बंद हो, अगर जो हम उसको कंटेन कर लें तो हो सकता है कि इसकी जो भयंकर स्प्रेड हो सकता है उसको चेक कर लिया जाए। तो यही उम्मीद है जो कल से शुरू हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ने कल जो सजेस्ट किया था कि पब्लिक क्लैपडाउन करे, और कल रात से बड़ी खुशी की बात है कि सब स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी ये रिएक्शन लिया कि भाई क्लैपडाउन कर दो, आइसोलेट कर दो, और हो सकता है कि जो ये चेन बन रही है एक से दूसरे तक फैल रहा है वायरस, उसको ब्रेक किया जाए और वो हो सके हम उसको कंटेन कर ले, और इतनी भयंकर जैसे और कंट्रीज में आया वैसे हमारी कंट्री में ना आए। डॉक्टर त्रहन, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा अस्पताल आप मेदांता अस्पताल चलाते हैं, अभी तक ये जो टेस्ट किया जा रहा था COVID-19 का, ये सिर्फ सरकारी अस्पतालों में किया जा रहा था। कल स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी हमें जानकारी दी कि कुछ अब प्राइवेट अस्पताल और कुछ प्राइवेट लैब्स में भी ये टेस्ट हो सकेगा, तो क्या मेदांता में ये टेस्ट हो सकेगा COVID-19 का? नहीं, हमने अभी शुरू नहीं किया है जी। हम सिर्फ कोई हमारे पेशेंट्स जो होते हैं उनका टेस्ट कर, उनकी जो सैंपल ड्रॉ करके हम गवर्नमेंट लैब में भेज रहे हैं अभी तक जी। ये चर्चा हो रही है कि कितने हॉस्पिटल्स को करना चाहिए, और क्योंकि कितनी तादाद में ये सेंटर्स चाहिए, तो कई सेंटर्स खुल गए हैं, और हम चाहते हैं कि इसका जुडिशियसली यूज हो,
और अभी हमने हमारी चर्चा चल रही है आईसीएमआर के साथ कि हमें भी खोलना चाहिए, तो हम खोलेंगे। ठीक है डॉक्टर तिरहन, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, नहीं है हाँ, कि एक ना पैनिक की स्थिति भी पैदा हो गई है समाज के अंदर, और स्थिति ये है कि अगर किसी को नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम भी हो रहा है तो वो चाहे ना डर रहा हो कोरोना से, लेकिन आसपास के लोग उसको बहुत डरा दे रहे हैं। तो क्या एग्जैक्टली वो सिम्टम्स हैं, आप हमारे दर्शकों को अगर आसान भाषा में समझा दें जिससे हमें ये पता लग पाए कि ये कोरोना हो सकता है। तो ये जो वायरस है जी, ये जो एक शख्स को इन्फेक्ट करता है एक दूसरे शख्स से जिसको ये वायरस ऑलरेडी है, उनके खांसने से और उनके छींक मारने से या जोर से बोलने से क्या होता है कि छोटे छोटे म्यूकस के ड्रॉपलेट्स निकलते हैं जिसके अंदर वायरस की कॉन्सेंट्रेशन है ज्यादा, तो वो अगर जो कोई और उसको ब्रीद कर ले तो वो पहले तो गले और नोज में जाता है और वहां पर रुक के वो मल्टीप्लाई होता है, फिर उसके बाद वो आहिस्ते आहिस्ते रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसको ट्रेकिया कहते हैं उसके अंदर जाता है, फिर वो लंग्स में जाता है। तो इसीलिए ये इसका बड़ा तरीका ऐसा है कि पहले ये मल्टीप्लाई करेगा फिर अटैक करेगा जी, और जब अटैक करेगा तो फिर बॉडी उसको फाइट करने की कोशिश करेगी तो उस लड़ाई में ही बहुत सारा डैमेज हो जाता है टिश्यूज को। और अगर जो किसी को जैसे ओल्डर एज है जो 60-65 से ऊपर उम्र के लोग हैं उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती जाती है जैसे एज बढ़ती है, और जिन लोगों को डायबिटीज है उनका इम्यूनिटी वैसे ही नीचे होता है, जिनको हार्ट डिजीज है, जिनको कैंसर है, जिनको और कोई रिमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह जो है, जिनको ऑलरेडी ऑटो इम्यून डिजीज है उनके लिए और भी भयंकर है ये। तो इसीलिए उन लोगों को तो और भी केयर की जरूरत है, प्रोटेक्शन की जरूरत है। अब आपने एक क्वेश्चन पूछा कि खांसी जुकाम हो रहा है सर्दी वाला और उसपे लोग, एक तो खुद भी डर लगेगा, जिसको होगा उसको भी डर लगेगा जी, और जो साथ वाले हैं उनको भी डर लगेगा। डिफरेंस जो हमें पता है कि जिनको खांसी जुकाम थोड़ा सा फीवर हो एक दो दिन में ठीक हो जाए तो यूजुअली वो फ्लू होता है, पर अगर जो वो फीवर चलता जाए और गले में दर्द होना शुरू हो जाए, जो जैसे जो लोग डिस्क्राइब करते हैं जिनको कोरोना हुआ है कि बहुत ही जलन सी होती है, गले में बहुत तकलीफ होती है, उसका तो वो साइन है कि ये कोविड हो सकता है, तो उसका तो टेस्टिंग इमीडिएटली होना चाहिए। पर आज के दिन में हमारी एडवाइस पब्लिक को ये है कि अगर जो आपको बुखार खांसी जुकाम है तो आप अपने आप को डॉक्टर से एग्जामिन कर ले। डॉक्टर को आज के दिन में पता है कि क्या फर्क है कोरोना के सिम्टम्स में और नॉर्मल फ्लू के डिफरेंस में। अगर जो डॉक्टर समझता है कि ये कोरोना के सिम्टम्स हो सकते हैं तो हाँ। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा आपको कि आप जाएं और टेस्टिंग सेंटर में अपनी टेस्टिंग कराएं। तो ये प्रोटोकॉल है आज के दिन में। फिक्र जरूर करना चाहिए, बहुत फिक्र करना चाहिए, क्योंकि जितना हम इसकी इस पे चौकन्ना रहेंगे उतना ही डॉक्टर तिरहन मैं आपको रोकना चाह रही हूँ। और अब मेरा सवाल आपसे यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब से कुछ दिन पहले सामने आए और उन्होंने कहा कि जो मलेरिया की दवा है वो इस बीमारी में कारगर है, इस दावे में कितना सच है? तो ये जो दवाई है वो मलेरिया के लिए तो बहुत यूज हुई है और आज के दिन भी ये यूज कर रहे हैं हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, ऑटोइम्यून डिजीजेस में, क्योंकि इसको कहते हैं इम्यून मॉड्यूलेटर। इसका मतलब कि ये इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करती है। अब ये देखा गया है कि इसकी जो इस्तेमाल करें जब एक पेशेंट बीमार है और उनके ऊपर बहुत भयंकर अटैक हो रहा है अपने ये वायरस का और जो हमारे इम्यून सिस्टम का जिसको साइटोकाइन कहते हैं, तो साइटोकाइन अटैक हो रहा है, तो उसके अंदर ऐसी दवाई दी जाए तो उसका ये फायदा हो सकता है कि वो जो रिएक्शन है उसको थोड़ा कम कर दे। तो इसीलिए इस दवाई को इस्तेमाल किया गया है। तो इस आज के दिन में ये अप्रूव हो गया है WHO से भी कि अगर जो कोई बहुत सीरियस केस है उसके अंदर आप यूज करें तो वो उचित है।
पर आज के दिन जो सवाल उठा है वो जो सोशल मीडिया में घूम रहा है या ट्रंप ने जो बोला, जो उसकी क्लैरिफिकेशन ठीक नहीं बोली कि भाई अगर जो हम अभी से खाना शुरू करें तो कोविड से बच सकते हैं, इसका कोई एविडेंस नहीं है और इसमें सिर्फ फिक्र ये है कि अगर जो ऐसी दवाई खाने से नुकसान ना हो जाए, तो इसीलिए हम लोगों को कह रहे हैं कि अभी कॉशियस रहें, इसमें कोई एविडेंस नहीं है कि इसको खाने से प्रिवेंशन हो सकता है जैसे वैक्सीन में होता है, वैसा नहीं है ये, तो अभी शांति रखें, कोई जरूरत नहीं है इसको खाने की। ICMR और जो हमारे जो साइंटिफिक कम्युनिटी है इस पे चर्चा कर रही है, अगर जो वो समझेंगे कि इससे फायदा हो सकता है तो उसकी रेकमेंडेशन आएगी आने वाले दिनों में, पर अभी बहुत बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर तिरहन एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अहम जानकारी दी। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।